इंडिया टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम मौजूद हैं साउथ मुंबई के पॉश एरिया के रेरोड के झोपड़पट्टियों में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इस लॉकडाउन के चलते हुए लोगों को भारी तकलीफें उठानी पड़ रही है। उसी चर्चे में और उसी के ताल्लुक में हम यहाँ के लोगों से कुछ बातें करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, चले आए हम उनसे बातें करते हैं। जी आपका नाम? फरीदा बानू जी। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? मैं 10 साल से रह रही हूँ, भाड़े से रहती हूँ। जी आप क्या काम करते हैं? आपके घर वाले क्या काम करते हैं? आपके हस्बैंड घर वाले सिलाई करते, दूसरे की नौकरी करते। अच्छा, जो ये लॉकडाउन हुआ और ये जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इसके वजह से आपको कैसी तकलीफ है, किस तरह की तकलीफ उठाई पड़ रही है वो बताएं। हमारे 6 बच्चे हैं, 6 जन हैं हम लोग घर में, खाने को नहीं है। जिधर जाते पहचान वाले को, इंसान को राशन पानी मिल रहा, हम लोग को कोई नहीं देता। बोलते घर वाले को मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा, तुम भाड़े से रहते। तुम्हारा मैं राशन कार्ड के दुकान पे भी गई कि राशन दो मेरे को, मेरा आधार कार्ड है, तो बोले नहीं आधार कार्ड वाले को नहीं देंगे राशन, तो हम लोग क्या खाने का। तो आप अपनी जिंदगी में किस तरह का संघर्ष कर रहे हो वो भी बताया जाता है। लॉकडाउन बढ़ाए, हमको तकलीफ नहीं है, हमारी हिफाजत करे, लेकिन हमारी हिफाजत करे, खाना भी तो हमको मिलना चाहिए, खाने को भी तो हमको मिलना चाहिए ना। हमारे बाल बच्चे क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे कोई नहीं पूछने आता इधर। आपके पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है? आपके नहीं ध्यान दे रहा, कोई नहीं आता पूछने के लिए कि तुम लोग खा रहे कि मर रहे कि जी रहे, कोई नहीं। 1 रुपया पूछने नहीं आता कि तुम्हारे पास 1 रुपया है कि नहीं है। और एक इस मोहल्ले की महिला जुड़ी हुई है, चले हम उनसे कुछ बातें करते। जी आपका? शायरा जी। शायरा आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो? मैं तो रह रही हूँ यहाँ 50 साल हो गया मुझे। तो ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन और जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इसके चलते आपकी जिंदगी में इस लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है और इस लॉकडाउन के चलते हुए आपकी जिंदगी को लेकर आप किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं ये जनता को बताइए। संघर्ष बहुत हो रहा है बेटा, बहुत परेशान है हम लोग, काम धंधा नहीं है, भूखे प्यासे मर रहे हैं। राशन भी आ रहा तो हमारे को मिल रहा नहीं, हमारे तक पहुंच रहा नहीं है राशन भी। क्या यहाँ पे उधर ही बट जा रहा है राशन कार्ड? नहीं, हमारा राशन कार्ड भी कैंसिल हो गया, तो उसमें आधार कार्ड पे हम लोग को कुछ मिल रहा नहीं है। जिसका राशन कार्ड है उसको चावल उवल मिल रहा, हमारे को तो वो भी नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा हम लोग परेशान हो गए। काम करती, घर का काम करते हम लोग, वो भी बंद है, तो क्या खाएंगे हम लोग, बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे। हर एक महिला जुड़ी हुई है, चले हम उनसे बात करते हैं। जी आप, आपका नाम? शहनाज जी। शहनाज आप कितने सालों से यहाँ पे? 40 जी। आप 40 सालों से रहते हो और आप काम क्या करते हो? घर काम। तो ये जो लॉकडाउन हुआ और ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इस लॉकडाउन के चलते हुए आपकी जिंदगी में आपको किस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है ये यहाँ की हमारी जनता को बताइए। हर चीज की परेशानी हो रही, मेन तो पैसा ही नहीं, क्यों तो काम पे नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। अपना ऐसा काम है कि रोटी बना उन लोग की तो पैसा मिलेगा, मेरे को अभी पगार भी मिला ना बहुत आधे से आधा, जो पैसा था वो खत्म हो गया। अब घर में मेरे बच्चे बीमार है, 15 दिन से मेरे बच्चे बीमार है, दवा का भी पैसा नहीं। आज मैं कस्तूरबा हॉस्पिटल गई दवा लाई, वो भी कैसा कैसा, दूसरे से पैसा लेके टैक्सी से वो करी, टैक्सी वाला भी नहीं लेके जा रहा था। मेरे को तो हद से ज़्यादा परेशानी, मेरे घर में बच्चे बीमार है, 3 बच्चे मेरे बीमार है, आज मैं दवा खाने में दौड़ती इधर से उधर, आज पैसा खत्म मेरा तो अभी जा रही कस्तूरबा, अभी कल भी मैं आज भी गई थी टैक्सी से, दूसरे से पैसा उधार लेके गई, टैक्सी भाड़ा भी नहीं, टैक्सी वाले भी नहीं आते, बाइक से भी जाने नहीं मिलता है, पैसा भी खत्म, ये कब बंद होएगा? दुनिया भर की परेशानी आ रही। खाना तो चलो डब्बा वहाँ से लाइन लगा के लेके भी आएगा खा लेंगे, हाथों का तो नहीं पहुँचता है खाना, लेकिन कहीं दूर बढ़ता तो वहाँ से लाने के लिए भी बहुत मुसीबत है, जाने को भी नहीं रास्ता है, नहीं कुछ नहीं, बहुत सारी परेशानी है। अब क्या होने वाला हो करो तुम सकते हैं क्या यहाँ के लोगों को जो 40 साल 50 साल से रहने वाले लोग हैं और वो इस लॉकडाउन के चलते हुए इनकी जिंदगी पर बहुत भारी असर पड़ा है और इनकी ज़िंदगी में आप देख सकते हैं ये लोग किस तरह का सर्वाइव करने वाले लोग हैं। ये जो महिला है वो कई घर खाता काम करने वाली है, कोई है ना कोई हाउस वाइफ है और इनकी ज़िंदगी पर इस लॉकडाउन का और ये जो लॉकडाउन बढ़ा दिया गया इसका बहुत बुरा असर पड़ा है। इसी चर्चे में हमारे साथ यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं और जो बहुत पुराने सोशल वर्कर हैं अनीस अंसारी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनीस भाई आप जो यहाँ के आप तो इसी गली में रहने वाले हो और काफ़ी सालों से आप यहाँ पे रह रहे हो और ये गली के एक तरफ से मैं कहूँ तो आप इस गली के जिम्मेदार में से एक जिम्मेदार हो कि ये गली में कुछ भी तकलीफें आती है तो लोग आपके पास चल के आते हैं, तो ये तकलीफों के बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहोगे और आपकी क्या राय है सरकार के बारे में? सरकार जहाँ तक है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, उसमें सरकारी जो
जो भी सुविधा है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है, वो एक अलग समस्या है। लेकिन इस वक्त जो हमारी झोपड़पट्टी, खास तौर पर ये दारूखाना के अंदर सबसे बड़ी आबादी वाला इलाका है जिसको कौला बंदर बोलते हैं, कौला बंदर के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ जो आज मुझे मालूम पड़ी और मुझे बड़ा दुख है, जहाँ तक मैंने ये सुना है कि हमारे जो नगर सेवक हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और हमारी भाभी यानी यामिनी किशन जो यहाँ की MLA हैं, वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं, रोज़ाना 5,000 आदमी का खाना बन रहा है जो बांटा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब मैं अपने ही इलाके में अपनी ही गली के किनारे जब आके खड़ा होता हूँ तो यहाँ किसी को एक डब्बा नहीं आया है, ऐसा ये लोगों की एक कंप्लेन मेरे तक पहुंची। ऐसी एक बात मैं भी मानता हूँ कि श्री यशवंत यादव साहब जो नगर सेवक है वो 10,000 डब्बे रोज खाने का बना रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को खाना नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ, तो इस सिलसिले में जो है मैं आज अपने जिम्मेदारों से बात करूँगा और उन तक ये बात पहुँचाऊँगा और मैं इस आपके इस चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है पूरे बॉम्बे के अंदर, अगर आप देखेंगे तो ये जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जो झोपड़पट्टियाँ हैं इसके अंदर जो झोपड़पट्टियाँ बसी हुई हैं इनमें ज़्यादातर लोग रोजनदारी वाले हैं, रोज़ कमाना रोज़ खाना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और छोटे छोटे घर हैं, डिस्टेंस भी बहुत नहीं हो पा रहा है, बहुत से रूल्स जो हैं इस बीमारी यानी कोरोना वायरस में जो रूल्स हैं कि इस तरीके से अगर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें तो इससे बचा जा सकता है, वो भी नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि किसी का 20 फुट का झोपड़ा है, किसी का 70 फुट का है, किसी का बहुत बड़ा होगा तो मैं समझता हूँ कि 150 फुट का होगा, लेकिन इसमें ही अपनी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। आज इनकी हालत देखने के बाद इनके पास बच्चों के लिए दूध के लिए, आज इनके पास सामान्य गृह के लिए कोई पैसे नहीं है। अभी ये 2 दिन से राशन का शुरू हुआ है, सरकार की तरफ से जो राशन की दुकानों पर 5 किलो का शुरू हुआ है पर आदमी, किलो सिर्फ चावल पर पर्सन पे 5 किलो पर पर्सन, लेकिन वो भी सिर्फ चावल। अब ये महिला कह रही है कि चावल लेकर हम क्या खाएंगे, क्या उसको पानी से उबालें कि उसके क्या बनाए, गंजे बना के या क्या करें, तो ये बड़ा मसला है। तेल नहीं, दाल नहीं, ये इस मसले को जो है मैं ये कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं अपने जिम्मेदारों से बात करता हूँ कि भाई ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर जो है करें। हालांकि ये एक हकीकत है कि खाना जो है बांटा जा रहा है, बन रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर इन लोगों का कहना कि हम तक एक डब्बा भी नहीं पहुँचता, बहुत दूर दूर से है। अभी महिला बता रही थी कि हम दूर से जाके लाइन से करके एक डब्बा लेकर आते हैं, उसके घर में 5 मेंबर है, एक डब्बा मिला तो कैसे ज़िंदगी गुजारेगी, एक डब्बे में वो खुद खाएगी, अपने बच्चों को खिलाएगी, कोई भी माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, वो अपने बच्चों को ही खिलाएगी, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं जो है क्या कहते हैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि लोगों तक आप पहुँचे हैं, हाँ इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से काम करें, लोगों तक की जो समस्याएं हैं वो और जिम्मेदारों तक पहुंचे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब देख सकते हैं हमारे साथ अनीस अंसारी साहब जुड़े हुए थे जो यहाँ के सोशल वर्कर है और ये मोहल्ले के जिम्मेदारों में से हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें हमारे साथ रखी है। और मैं मेरे ग्रेट इंडिया TV के न्यूज़ के माध्यम से सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि यहाँ के जो गरीब लोग हैं इनके आवाज़ को सुने और इनके पर ध्यान दे। ग्रेट इंडिया TV न्यूज़ में बात करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कैमरामैन फैयाज के साथ मैं अभिषेक, धन्यवाद।